कैसे पटकिएगा जी, हम लोग पटकने के थोड़ी आए हैं। इसको पटकेंगे कैमरा को, तो कैमरा को। हेलो गाइस, मेरा नाम निशांत, आप देख रहे हैं डीके व्लॉग्स। गाइस आज मैं आप लोगों को ले चल रहा हूँ ब्रांबे बाजार, जो कि रांची से करीब आप लोगों का 15 या 20 मिनट की दूरी पे यह बाजार स्थित है। और ये बाजार ठीक है आप लोगों को रोड किनारे ये बाजार लगता है, ठीक है आप लोगों का मुड़मा जाने वाले रोड पर मार्केट लगता है। और ये मार्केट जस्ट आप लोगों का ट्रैवल मार्केट लगता है, जहाँ पर आप लोग काफ़ी कुछ देखने को मिल जाते हैं, टोकरी वगैरह, सूप वगैरह। और ये मार्केट में काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, मोटरसाइकिल के लोग काफ़ी आते हैं गाइस इस बाजार में। चलिए आज मैं आप लोगों को ये बाजार ले चलता हूँ और ये बाजार में दिखाने की कोशिश करता हूँ इस बाजार में क्या कुछ मिलता है। बंडा मिलता है, चिकन मिलता है, या आप लोग का खस्सी भुन जाता है। और ये बाजार काफ़ी बड़ा बाजार लगता है गाइस, सुनने में आया है। और मैं बताने की कोशिश करूँगा कि ये बाजार कब लगता है, किस दिन लगता है, और बाजार में क्या क्या कुछ मिलता है खास, यानी कुछ होता है ना गाइस, कुछ बाज़ार में कुछ खास, कुछ यूनिक मिलता है, उस तरह का कुछ क्या चीज़ मिलता है खास ये बाज़ार में, बताने की कोशिश करूँगा गाइस। और अगर आप नए हैं प्लीज़ गाइस अपने छोटे भाई को सब्सक्राइब तभी जरूर करें, तभी मैं इस तरह की वीडियो आप लोगों को दे पाऊँ। प्लीज़ गाइस आप सपोर्ट जरूर करें अपने छोटे भाई को, तभी मैं इस तरह की वीडियो आप लोगों को दे पाऊँ। तो चलिए बाजार घूमिए और कुछ इन्जॉय करिए। चलिए तो गाइस देखिए आज हम फाइनली आज आए हुए हैं ब्रांबे बाज़ार। देखिए ब्रांबे बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा इधर से देख सब्जी वब्जी का खरीद बिक्री हो रहा है इधर। इस साइड देखिए कुछ इस तरह से मार्केट लगता है ब्रांबे में। लीची कैसे दे रहे? लीची 30 रुपये पौवा। पौवा 30 रुपये, बाप रे। तो देखिए गाइस इस तरह से बाज़ार लगता है ब्रांबे में, और काफ़ी लोग आए हुए हैं गांव साइड के लोग सब्जियों का क्रय बिक्री करने के लिए। देख सकते हैं इस तरह से, इधर देखिए पेड़ के नीचे बाज़ार लगता है मार्केट। तो देखिए गाइस यहाँ पर मिल रहा है आप लोगों को औजार वगैरह, इधर गाँव घर में यूज़ करने वाले बैठी टंगला बसला वगैरह, घर में बताला वगैरह देख सकते हैं। इस तरह से हंसुआ वगैरह मिल, कैसे तरह हंसुआ 120। तो देखिए कैसी तरह हंसुआ का रेट चल रहा है, 120 रुपये चल रहा है। बाज़ार कब तक लगता है भैया? बाज़ार किस दिन लगता है बाज़ार? शनिवार मंगलवार। तो देखिए गाइस ये बाज़ार लगता है आप लोगों का शनिवार और मंगलवार को बाज़ार लगता है। और टंगला सब क्या रेट है टंगला सबका? 350। तो देखिए टंगला वगैरह का आप लोगों को 350 वगैरह रेट है, और फिर काफ़ी कुछ आप लोग को मिल जाएंगे क्योंकि गाँव घर में यूज़ किए जाते हैं बैठी हो गए टंगला बैसला और हंसुआ वगैरह। हंसुआ का रेट चल रहा है आप लोगों को यहाँ पर 120 रुपये, जो कि जेन्युइन रेट है गाइस, जो कि हर बाज़ार में देखने को आप लोग मिल जाता है। देखिए तो गाइस फाइनली आज हम आए हुए हैं ब्रांबे बाज़ार। तो देखिए बाज़ार कुछ इस तरह से लगता है, काफ़ी लोग आए हुए हैं खरीदारी करने के लिए। अरे बाज़ार कुछ इस तरह से लगता है जहाँ पर आप लोगों का सब्जी वगैरह का खरीद बिक्री चल रहा है, और ये बाज़ार में काफ़ी लोग आए हुए हैं खरीदारी करने के लिए। देखिए कुछ इस तरह से देखिए बर्तन सब मिल रहा है, कढ़ाई वगैरह, और काफ़ी लोग खरीदारी वगैरह कर रहे हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर रस्सी वगैरह मिल रहे हैं, जो कि गाँव घर बाज़ार में देखने को आमतौर पर मिलते हैं, बट आज मैं ब्रांबे बाज़ार में भी काफ़ी कुछ देखने को मिल गया, रस्सी वगैरह और ये सब देख सकते हैं कुछ इस तरह से। चलिए ब्रांबे बाज़ार में जाते हैं, पूछते हैं क्या रेट चल रहा है सब्जी वगैरह को, और जाने की कोशिश करते हैं कि बाज़ार में क्या कुछ खास मिलता है। देखिए इधर रनू वगैरह है जो कि सेल कर के जा रहा है, काफ़ी भारी मात्रा में इधर मिल रहा है। गाइस देखिए गाँव का फेमस आप लोगों का मसाला वगैरह मिल रहा है इधर कुछ इस तरह से। दुकान कैसे उठाना नानी? दुकान कैसे दुकान? देखिए क्या दुकान चल रहा है, 5 रुपये मुठा, 10 रुपये मुठा चल रहा है। पत्ता कैसे मुठा देवा थी? 10 रुपये मुठा देवा थी। तो देखिए पत्ता उत्ता आप लोग 10 रुपये मुठा मिल रहा है, जो कि हर तरह बाज़ार में वैसे मिलता है रेट आप लोगों का। अरे बाज़ार कुछ इस तरह से लगता है, देखिए जहाँ आप लोगों को घर में यूज़ होने वाले सब्जी वगैरह मिल जाएंगे। अरे मार्केट काफ़ी बड़ा ही मार्केट लगता है, देख सकते हैं कुछ इस तरह से काफ़ी लोग आए हुए खरीद मतलब बिक्री करने के लिए बैठे हुए हैं इस तरह से मार्केट लगता है। बाज़ार काफ़ी बड़ा ही बाज़ार है, यहाँ पर आप लोग मांडरा साइड के लोग आते हैं, और इधर मुखमंद्रो साइड के लोग काफ़ी लोग आते हैं खरीदारी करने के लिए। और इस साइड आप लोग मियाँ हो गए, आदिवासी हो गए, ट्रैवल लोग देखने को मिल जाते हैं, जो कि खरीद बिक्री करने के लिए आते हैं यहाँ पर सब्जी वगैरह का। और सब्जी का रेट काफ़ी मिनिमम है गाइस, जो कि रांची में चल रहा है वो रेट आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। और देख सकते हैं इस तरह से आप लोगों का सजाया हुआ सामान मिलता है, कुछ देखिए साबुन वगैरह। और इधर अभी भी गांव तरफ देखने को मिल जाता है डीसीएम साबुन वगैरह देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है देखिए डीसीएम साबुन वगैरह, ढेला साबुन। कितने देर भैया साबुन वगैरह? ये 30 रुपये पैकेट का आएगा। तो देखिए गाइस ये डीसीएम साबुन वगैरह ढेला साबुन 30 रुपये पैकेट दे रहे हैं, देख सकते हैं। अभी भी देखने को मिल जाते हैं आप लोग गाँव साइड साबुन वगैरह, जो कि अभी तो काफ़ी कुछ परिवर्तन आ चुका है। तो देखिए गाइस बैग का रेट बोल रहे 200 रुपये शुरू है, काफ़ी अच्छे अच्छे बैग मिल जाएंगे आप लोगों को, जो कि रांची में देखने को मिलते हैं मेन रोड हो गए, यहाँ आप लोग को बाज़ार में मुखमंद्रो बाज़ार में, मुखमंद्रो नहीं
बनावे बाज़ार में देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे अच्छे बैग वगैरह यहाँ पर लाए गए हैं, जो कि 200 रुपये से मिल रहा है आप लोगों को। देखिए काफ़ी ज़्यादा कुछ मिल जाएंगे इधर। और इधर देखिए कपड़ा मार्केट है, जहाँ पर कपड़ा वगैरह लाए गए हैं। चलिए आप लोगों को कपड़ा मार्केट घुमाते हैं। और ये बरामदे बाज़ार का कपड़ा मार्केट, जहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए खरीदारी करने के लिए। और कपड़ा वगैरह यहाँ पर काफ़ी चहल पहल दिख रही है बाज़ार में, देख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो देखिए गाइस बरामदे बाज़ार का कपड़ा मार्केट, जहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए खरीदारी करने के लिए और काफ़ी चहल पहल है देखिए इस बाज़ार में। चलिए बाज़ार घुमाते हैं, कपड़ा मार्केट आप लोगों को घुमाने की कोशिश करते हैं। जो काफ़ी बड़ा ही मार्केट लगता है देखिए कुछ इस तरह से, आप लोगों को लड़के लड़कियों के कपड़ा मिल जाएंगे कुछ इस तरह से लगता है मार्केट, जहाँ पर आपको काफ़ी कुछ देखने को मिल जाती है। और ये बाज़ार मुख्यतः आप लोगों को लगता है गाइस मंगलवार और शनिवार के दिन यह मार्केट लगता है। तो देखिए बाज़ार में काफ़ी कुछ आप लोग कपड़े वगैरह मिल जाएंगे देखने के लिए कुछ इस तरह से, फ्रॉक वगैरह। और लड़कियों के लिए ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, लड़कों के लिए तो कम मिलते हैं, बट लड़कियों के लिए काफ़ी कुछ मिल जाते हैं। तो देखिए कपड़ा मार्केट कुछ इस तरह से लगता है, जहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ है गाइस ये कपड़ा मार्केट में। जस्ट आज हम आए हुए हैं बरामदे, जो कि रांची से करीब आप लोगों का 20 किलोमीटर दूर ये बाज़ार लगता है गाइस, क्योंकि जस्ट रोड किनारे ये मार्केट लगता है। देखिए काफ़ी लोग आए हुए हैं, कपड़ा मार्केट तो काफ़ी बड़ा है, यहाँ काफ़ी लोग खचाखच भरे हुए हैं। देखिए कुछ इस तरह से सामान लेने आए हुए हैं खरीदारी करने के लिए, देख सकते कुछ इस तरह से लोग बैठ के खरीदारी कर रहे हैं। जो कुछ यही बोला जाए, पुराना समय का याद आ जाता है जब हम भी अपने माँ बाप से जाते थे खरीदने के लिए, बट अब तो काफ़ी बड़े हो चुके हैं, अब तो अपने से खरीदते हैं कपड़े वगैरह और कुछ। तो देखिए बरामदे बाज़ार का कपड़ा मार्केट। तो देखिए गाइस बाज़ार में भी काफ़ी अच्छे अच्छे टी शर्ट वगैरह लाए गए हैं, देखिए लाल वगैरह, लाल पीला वगैरह, पुमा वगैरह का टी शर्ट वगैरह लाए गए हैं। तो गाइस बाज़ार देख रहे हैं, बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ है, काफ़ी लोग आए हुए हैं खरीदारी करने के लिए, देख सकते हैं। क्या रेट भैया ये शर्ट सबका? ये शर्ट सबका क्या रेट है सेल कर रहे हैं ये? हाँ ब्लैक वाला 200 रुपये। 200 रुपया? और ये व्हाइट वाला? व्हाइट वाला हाँ, ये भी 200 रुपये। और उस ब्लैक वाला यहाँ का कोई भी ले दिए ना 200 रुपया। अरे बाज़ार कब को लगता है बरामदे बाज़ार? यहाँ शनिवार और मंगलवार। हाँ ये चार, ये भी 400। और जींस वगैरह क्या रेट जो है ना ये 600 रुपये पड़ेगा। 600 रुपये का है? हाँ। और जींस वगैरह का रेट क्या है? जींस 450 शुरू है। तो देखिए गाइस जींस वगैरह का रेट आप लोग को 400 से स्टार्टिंग प्राइस है, और ये शर्ट वगैरह का रेट आप लोग को 200 रुपये से शुरू है, और ये शर्ट वगैरह का रेट आप लोग का 400 रुपये से शुरू है। और काफ़ी अच्छे अच्छे वैरायटी के शर्ट वगैरह लाए गए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे लगे मेरे को देखने के लिए, देख सकते कुछ इस तरह से है। बाज़ार में मेरे को साड़ी वगैरह देखने को मिली थी, जो कि काफ़ी अच्छे अच्छे साड़ी वगैरह लाए गए हैं इधर, साड़ी वगैरह मिल जाएंगे बरामदे बाज़ार में कुछ इस तरह से, साड़ी वगैरह जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं देखने के लिए बाज़ार वगैरह में अभी। तो देखिए बाज़ार में कुछ इस तरह से कपड़ा मार्केट लगता है बरामदे बाज़ार का कपड़ा मार्केट, यहाँ पर आपको हर तरह का कपड़ा वगैरह मिल जाएंगे, साड़ी वगैरह और जो कि घर में यूज़ करने वाले कपड़े वगैरह मिल जाएंगे। और ये बाज़ार काफ़ी बड़ा बाज़ार लगता है, यहाँ पर काफ़ी कुछ आप लोगों को देखने मिल जाते हैं। और कपड़ा मार्केट तो काफ़ी बड़ा ही है, क्या ही बोला जाए, देख सकते किसी तरह से मार्केट लगता है, जो काफ़ी बड़ा मार्केट है इस कपड़ा का, यहाँ पर काफ़ी आप लोगों को मियाँ लोग देखने को मिल जाते हैं, यानी मियाँ लोग मुसलमान लोग देखने को मिल जाते हैं बाज़ार में। बरामदे बाज़ार आप लोगों को जूता मार्केट दिखाते हैं, यहाँ पर जूता वगैरह लाए गए हैं कुछ इस तरह से, जूता मार्केट लगता है, यहाँ पर जूता वगैरह मिल जाएंगे आप लोगों को कुछ इस तरह से। तो देखिए बरामदे बाज़ार का ये चप्पल मार्केट, यहाँ पर चप्पल वगैरह मिल जाएंगे, जूते वगैरह मिल जाएंगे, और मार्केट में काफ़ी वैरायटी के जूता वगैरह चप्पल वगैरह मिल जाएंगे, देख सकते कुछ इस तरह से मार्केट लगता है, काफ़ी अच्छे से मिल जाएंगे। देखिए कुछ इस तरह से चप्पल वगैरह मिल जाएंगे। कैसे भैया ब्रेड वगैरह? 100 रुपया किलो। तो देखिए गाइस इधर ब्रेड वगैरह मिल रहे हैं, इधर दोस्त पापा वगैरह जो कि बचपन में चाय के साथ खाते थे, जो कि काफ़ी मज़ा आता था खाने में, इधर 100 रुपया केजी मिल रहा था, देख सकते हैं। तो देखिए गाइस मार्केट में काफ़ी कुछ मिल रहे हैं आप लोगों को, चावल वगैरह, सब्ज़ी वगैरह कुछ इस तरह से, काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ है। सब्ज़ी वगैरह भिंडी कैसे? भिंडी 15 रुपये केजी। देखिए गाइस भिंडी का रेट चल रहा है 15 रुपये केजी, और ये बाज़ार काफ़ी बड़ा बाज़ार लगता है गाइस, यहाँ काफ़ी कुछ खरीद बिक्री चल रहा है, खरीद बिक्री चल रहा है, मूली वगैरह चढ़ाए गए हैं। टमाटर किस रहे हैं? 20 रुपया। तो देखिए टमाटर का रेट चल रहा है 20 रुपये केजी चल रहा है। अरे बाज़ार कुछ इस तरह से लगता है गाइस, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खरीद बिक्री चल रहा है। तो देखिए गाइस बरामदे बाज़ार कुछ इस तरह से लगता है ये मार्केट, कुछ यहाँ पर बनाए गए हैं सेट टाइप के बनाए गए, और यहाँ पर आप लोगों का क्रय बिक्री चलता है, सब्ज़ी वगैरह का बकरी वगैरह चल बिक्री खरीद बिक्री चलता है गाइस, देख सकते कुछ इस तरह से लगता है। झाड़ू कैसे नानी? 50। तो देखिए गाइस बरामदे बाज़ार में चल रहा है झाड़ू का रेट 50 रुपये चल रहा है, देख सकते कुछ इस तरह से झाड़ू वगैरह मिल रहा है आप लोग इधर, देख सकते हैं। झाड़ू कैसे? झाड़ू क्या रेट झाड़ू है? तो देखिए झाड़ू का रेट 50 रुपये चल रहा है। और मार्केट में काफ़ी ज़्यादा लीची वगैरह बिक्री हो रहा है गाइस, देख सकते हैं लीची वगैरह
मैं पूछते लीची क्या दे रहे हैं, लीची कैसे दे रहे हैं, लीची के जी तो देखिए गाइस 100 रुपये के जी मिल रहा है लीची, 25 रुपये पाओ। तो देखिए गाइस इस तरह आप लोगों को काफ़ी कुछ मिल जाएगा देखने के लिए, सूप वगैरह, दौरा वगैरह। चलिए दौरा वगैरह सूप वगैरह का रेट पूछते हैं क्या क्या रेट है। देखिए मार्केट में काफ़ी बड़ा मार्केट लगता है गाइस, इधर देखिए काफ़ी कुछ लाए गए हैं, इधर देखिए सूप वगैरह मछू वगैरह का रेट जानने की कोशिश करते हैं, इसे पूछते हैं रेट वगैरह क्या रेट है सूप वगैरह का। सूप कैसे रहे, सूप देखिए सूप चल रहा है 150 रुपये, और टोकरी वगैरह क्या रेट है, 500 रुपये बाप रे। और ये इधर पटिया वगैरह क्या रेट है, पटिया का ये वाला खरीद के लाया क्या रेट का है, 500। देखिए पटिया वगैरह का रेट यहाँ चल रहा है 500 रुपये रेट चल रहा है, और काफ़ी कुछ लाए गए हैं यहाँ पर, दौरा वगैरह लाए गए हैं, सूप रेट चल रहा है पर 150 रुपये रेट चल रहा है। और देख सकते काफ़ी कुछ यहाँ पर लाए गए हैं सूप वगैरह नाचू वगैरह, और देख सकते कुछ इस तरह से मार्केट लगता है जहाँ पर आप लोगों को सूप वगैरह और नाचू वगैरह देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि गाँव घर तरफ आमतौर पर काफ़ी कुछ देखने को मिल जाते हैं सूप वगैरह। 150 रुपये चल रहा है गाइस। तो देखिए यहाँ पर मेरे को मिल गया पटिया वगैरह का, चलिए पूछते पटिया वगैरह का रेट क्या है, क्या चल रहा है पटिया वगैरह। अरे इसका वीडियो बहुत बना है भाई, क्या रेट चल रहा है, बहुत ज्यादा है इसलिए कोई जरूरी नहीं है। बैगन नहीं, क्या रेट चल रहा है पटिया का, 500 रुपया। तो देखिए 500 रुपये रेट चल रहा है पटिया वगैरह का रेट किसी का भी। तो देखिए पटिया का रेट चल रहा है 500 रुपये रेट चल रहा है, कैसे दे रहे हैं, 460 रुपये के जी, पीस में नहीं दे रहे हैं, पीस में नहीं, के जी, के जी है, के जी ले जा पीस ले जा। तो देखिए 420 रुपये के जी बोलते हैं यहाँ पर। कबूतर भी आपके पास, कबूतर है, कबूतर देखिए बस कबूतर वगैरह है, देखते हैं बत्तख कैसे, बत्तख पहले खर्चा दीजिए उसके बाद खर्चा क्या है, बत्तख कैसे, बत्तख क्या रेट है, पहले खर्चा दीजिएगा, अरे आपका फायदा होगा मेरा नुकसान होगा, कहाँ फायदा होगा जी, फायदा होगा ना जी, अभी यूट्यूब में डालिए, यूट्यूब में डालें तो कहाँ डालेंगे, 100 दीजिए खर्चा। तो देखिए इधर सीधा बोलता है 100 रुपये दीजिए तो बताएंगे, बोलते हैं क्या बोला जाए, क्या भैया इधर देखिए मेरा मत बनाइएगा, हम लोग पटक देंगे, हम पहले बता रहे हैं कैसे पटकिएगा जी, हम लोग पटकने के थोड़ी आए हैं, इसको पटेंगे कैमरा निकल दिखाइए तो नहीं दिख रहा है नहीं नहीं। तो देखिए गाइस ब्रह्मी बाजार का मछली मार्केट, जहाँ मछली वगैरह लाए गए हैं देखिए, और इस तरह से लगता है मछली मार्केट लगता है, देखिए काफ़ी ज़्यादा मछली वगैरह खरीद बिक्री चल रहा है, देखिए कुछ इस तरह से मछली मार्केट लगता है, जहाँ काफ़ी ज़्यादा मछली वगैरह लाए गए हैं। कैसे दे रहे हैं चिंगड़ी, 100 ग्राम 40 रुपये, देखिए चिंगड़ी दे रहे 100 रुपये, 100 ग्राम 40 रुपये दे रहे हैं। इधर आते हैं देखते हैं इधर क्या क्या मिल रहा है, आप लोग मछली वगैरह मिल रहा है काफ़ी ज़्यादा, ये कैसे दे रही है बोला, 100 रुपया, देखिए इधर 100 रुपये दे रहे हैं, और चिंगड़ी कैसे दे रहे हैं, चिंगड़ी 200 रुपये दे रहे हैं, और घूंगी कैसे के जी है, 50 रुपये के जी, देखिए कैसे घूंगी दे रहे 50 रुपये के जी दे रहे हैं, गाँव घर का देखिए कुछ इस तरह से लाए गए मछली वगैरह लाए गए हैं, इधर घूंगी वगैरह मिल रहा है इधर, अब आपको इधर देख सकते हैं, देखिए घूंगी वगैरह 50 रुपये के जी चल रहा है, और काफ़ी इधर गांव घर के बने पकड़ पकड़ के लाए हैं मछली वगैरह लाए हैं, देख सकते हैं किस तरह से मार्केट लगता है मछली मार्केट, देखिए बंडा कैसे दे रहे हैं, 360 रुपये के जी, तो देखिए बंडा चल रहा है 360 रुपये के जी ब्रह्मी बाजार में। बोल पी 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 लाना किधर है चिकन, 240। तो देखिए गाइस चिकन का रेट चल रहा है 240 रुपये के जी चल रहा है। तो देखिए आज हम क्या खाने वाले हैं ब्रह्मी बाजार में, दिखाते हैं हम लोग चिकन खाने वाले हैं या फिर बंडा खाने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को घोड़ी वगैरह मिल जाएंगे, पछौनी वगैरह, चमड़ी वगैरह मिल जाएंगे, कैसे दे रहे मिला के, 100 रुपये के जी या मिला के, सब मिला के, देखिए सब मिला के दे रहे हैं आप लोगों को 100 रुपये के जी दे रहे हैं, देखिए चिकन और चिकन का रेट चल रहा है गाइस आप लोगों को 240 रुपये के जी चल रहा है, जो कि काफ़ी बढ़ चुका है। तो गाइस आज हम ब्रह्मी बाज़ार में खा रहे हैं चिकन खा रहे हैं, जो कि आधा के जी चिकन खा रहे हैं, जो कि आधा के जी का हमारे लिए काफ़ी है, क्योंकि जस्ट हम दो ही आदमी हैं। तो चलिए आधा के जी चिकन खाते हैं ब्रह्मी बाज़ार में, बताते हैं कैसे चिकन का टेस्ट लगता है, और आप लोगों को भुनने में बताते हैं कैसे भुना जाता है यहाँ पर। तो गाइस देखिए आज हम ब्रह्मी बाज़ार में चिकन बनवा रहे हैं, जो कि 1 kg का आप लोग यहाँ लेते हैं 100 रुपये, और आधा के जी का लेते हैं 50 रुपया। तो चलिए चिकन भुनाते हैं और आप लोगों मिलते हैं खाने के टाइम में, बताते हैं ब्रह्मी बाज़ार का चिकन कैसे लगता है, क्योंकि चिकन का रेट चल रहा है अभी आप लोगों को 240 रुपये के जी चल रहा है गाइस। तो देखिए कैसे आज हम चिकन भुनवा रहे हैं आधा के जी, तो इस तरह से देखिए चलिए बनता है चिकन और आप लोगों को दिखाते हैं
चिकन का टेस्ट कैसे लगते हैं। तो गाइस देखिए आज हम चिकन लेके आए हैं, इधर हमारे साथ चिकन है और इधर मिर्चा हमारा मेरा फेवरेट, और यहाँ तक रोटी वोटी नहीं मिला, इधर हमारे ब्रेड मिल गया जो कि गिर रहा है। देखिए ब्रेड और चिकन खाएंगे आज, उधर पानी वगैरह है और इधर माजा वगैरह है जो कि काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। तो चलिए खाते हैं ब्राह्मी बाज़ार का चिकन, खाते हैं और बताते हैं टेस्ट कैसा है। तो गाइस ब्राह्मी बाज़ार का चिकन खाते हैं और चिकन का टेस्ट बताते हैं कैसा टेस्ट है। तो चलिए एक बाइट चिकन ले आते हैं, देखिए चिकन टेस्ट करते हैं कैसा टेस्ट लगता है, तो बताते हैं आप लोगों को चिकन का टेस्ट। चिकन का टेस्ट तो काफ़ी अच्छा है, जस्ट पूरा भुंजा हुआ है, पानी पानी पूरा पानी गिरा हुआ है और काफ़ी कुरकुरा लग रहा है, काफ़ी मस्त लग रहा है टेस्ट। तो गाइस बोला जाए तो ब्राह्मी बाज़ार का चिकन एकदम A1 है, यानी टेस्ट काफ़ी अच्छा लगा, जो कि हर बाज़ार की तरह तो नहीं भुंजा गया है, काफ़ी अच्छा टेस्ट लगा। प्लीज़ गाइस कमेंट में ज़रूर कमेंट करें कि इस तरह का चिकन वगैरह और बाज़ार वगैरह का चिकन वगैरह खा के कैसा लगता है आप लोगों को। तो गाइस देखिए बाल को जस्ट मत करिए गाइस, बाल तो क्या ही बोला जाए, देख रहे ना। आइए गाइस आप भी खाइए लीजिए, और ये मिर्चा का टेस्ट, ये मिर्चा खा के जो सुकून मिलता है ना गाइस, क्या ही बोल जाए, बहुत सुकून, बहुत मज़ा आता है इस तरह का खा के। चलिए खा लेता हूँ फिर मिलता हूँ। अगर आप लोगों को लग रहा है, लालच लग रहा है, तो मेरे साथ कभी आइए बाज़ार वगैरह खाने के लिए, मैं आप लोगों को खिलाऊँगा मेरे तरफ से। लोगों ने ये बाज़ार घुमा गाइस, ये ब्राह्मी बाज़ार जो कि काफ़ी अच्छा बाज़ार था गाइस, जहाँ आप लोगों को सूप का रेट चल रहा था 120 रुपये पीस चल रहा था, और यहाँ पर काफ़ी कुछ देखने को मिल जाते हैं, घूंगी वगैरह जो कि घूंगी चल रहा था गाइस 50 रुपये केजी, और यहाँ पर गांव घर साइड से लाए गए थे छोटे छोटे मछली वगैरह, और हमने यहाँ से चिकन भुजाया जो कि काफ़ी टेस्टी लगा गाइस। चिकन यहाँ का जो कि चिकन का रेट चल रहा था आप लोगों का 240 रुपये केजी, हमने तो जस्ट हाफ केजी चिकन भुजाया और खाया, जो कि काफ़ी टेस्टी लगा गाइस। और अब ब्राह्मी बाज़ार जस्ट आप लोगों का रोड किनारे लगता है, जस्ट मार्टर जाने वाले रोड पे, जस्ट डाल्टनगंज जाते हैं वो रोड पे यह बाज़ार लगता है गाइस। और ये बाज़ार मुख्यतः आप लोगों को लगता है मंगलवार और शनिवार के दिन यह मार्केट लगता है गाइस, जो कि काफ़ी अच्छा मार्केट है गाइस। और यहाँ पर ज़्यादातर आप लोग को मियाँ लोग देखने को मिल जाते हैं, यानी मुसलमान लोग देखने को मिल जाते हैं। और ये बाज़ार आप लोगों को कैसे लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए गाइस, प्लीज़ गाइस आप लोग सपोर्ट जरूर करें अपने छोटे भाई को, तभी तो मैं इस तरह का वीडियो दे पाऊँगा। प्लीज़ गाइस सपोर्ट जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम गाइस, जस्ट।